दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में चर्चित संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल किस समूह से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी क्वाड, ऑप्शन सी बिम्स्टेक या फिर ऑप्शन डी G20। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी G20। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में एकदम ठीक जवाब दिया है। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल यानी JFHTF की पहली बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई, इसलिए विकल्प डी सही है। इस बैठक में G20 और आमंत्रित देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वित्त और स्वास्थ्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की सह अध्यक्षता इटली और इंडोनेशिया ने की। संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल यानी JFHTF वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच समन्वय विकसित करते हुए अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी G20। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है इसकी अनुशंसा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। कथन दो है इसकी घोषणा 24 फसलों के लिए की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो कथन सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को मंजूरी दी है। MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से किसी फसल की खरीद करती है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर अपना निर्णय लेती है, इसलिए कथन एक सही है। प्रत्येक फसली सीजन के दौरान सरकार 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य यानी FRP की घोषणा करती है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। MSP और FRP द्वारा कवर की जाने वाली फसलों में शामिल है 7 प्रकार के अनाज, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ शामिल हैं। 5 तरह की दालें जिनमें चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर शामिल है। 7 तरह के तिल हैं जिसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और राम तिल शामिल है। वहीं 4 व्यावसायिक फसलें जिनमें कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कवच क्या है? आपके ऑप्शन है दो ट्रेनों की टक्कर की रोकथाम के लिए सिस्टम, परमाणु पनडुब्बी, इसरो का पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल या फिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दो ट्रेनों की टक्कर की रोकथाम के लिए सिस्टम। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कवच सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। कवच भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो कि एक प्रकार की ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रेडियो संचार के माध्यमों से लैस है, जिससे यह एक निश्चित दूरी के भीतर उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन का पता लगाता है। यह ट्रेन के इंजन में लगे उपकरण के माध्यम से निरंतर सचेत करते हुए स्वचालित ब्रेक लगाने में भी सक्षम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दो ट्रेनों की टक्कर की रोकथाम के लिए सिस्टम। अगला प्रश्न है गोल्डन ट्रायंगल एंड द गोल्डन क्रिसेंट का प्रयोग अक्सर किसके संदर्भ में किया जाता है? आपके ऑप्शन है मादक पदार्थों की तस्करी, ओलंपिक टूर्नामेंट, सोने से संबंधित व्यापार या फिर फीफा फुटबॉल विश्व कप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मादक पदार्थों की तस्करी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में ड्रग्स की समस्या पर लोकसभा में चर्चा की। उन्होंने इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। आपको बता दें कि मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में अक्सर गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। गोल्डन ट्रायंगल में दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, जिनमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार शामिल है, जबकि गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। वहीं भारतीय तटरक्षक, राज्य तटीय पुलिस स्टेशनों और रेलवे सुरक्षा बल को भी इस खतरे को खत्म करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मादक पदार्थों की तस्करी। अगला प्रश्न है, वैश्विक जैव विविधता के संदर्भ में ध्रुवीय भालू की आयुष्यन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी एक्सटिंक्ट, ऑप्शन सी वल्नरेबल या फिर ऑप्शन डी नियर थ्रेटेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वल्नरेबल। हाल ही में एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि कनाडा की पश्चिमी हटसन खाड़ी में ध्रुवीय भालू खतरनाक दर से मर रहे हैं। ध्रुवीय भालू पृथ्वी पर सबसे बड़े मांसाहारी भूमि स्तनधारी हैं। वे लगभग 7 से 8 फीट लंबे होते हैं, जिनमें नर ध्रुवीय भालू मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं। इसकी आयुष्यन स्थिति वल्नरेबल है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये अपना 50% से अधिक समय भोजन खोजने में व्यतीत करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वल्नरेबल। अगला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में कजरी क्या है? आपके ऑप्शन है लोक नृत्य, लोक संगीत, कठपुतली या फिर चित्रकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोक संगीत। कजरी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोक संगीत है, इसलिए विकल्प बी सही है। कजरी नृत्य मानसून के आगमन से ठीक पहले आनंद और खुशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही इन लोकगीतों का उपयोग एक महिला की अपने प्रेमी के प्रति लालसा का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। इस नृत्य में सितार, सरोद, वीणा, बांसुरी, संतूर और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोक संगीत। अगला प्रश्न है, फीजी द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है। कथन 2 है, इस द्वीप समूह में लगभग 300 द्वीप और 540 टापू हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। हाल ही में सित्वेनी राबूका फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश और द्वीप समूह है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस द्वीप समूह में लगभग 300 द्वीप और 540 टापू हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इसके 300 द्वीपों में से लगभग 100 द्वीपों में बसावट मौजूद है, जबकि शेष निर्जन हैं। इसकी राजधानी सुवा है, जो सबसे बड़े द्वीप वीटी लेवु यानी ग्रेट फिजी के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रही फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन या फिर उर्वरक उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इलेक्ट्रिक वाहन। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 7 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन दिया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। फेम इंडिया का पूरा नाम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। यह योजना नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का एक हिस्सा है। इसका प्रमुख लक्ष्य सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य विश्वसनीय, किफायती और कुशल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के प्रगतिशील प्रवेश को प्रोत्साहित करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इलेक्ट्रिक वाहन। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इन्हें अदालत के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। कथन 2 है, देश के शासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन देश के शासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही हुआ। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन सही है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, नई रोशनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना, ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण करना, आदिवासी महिलाओं को सशक्त करना या फिर विकलांग महिलाओं को सशक्त करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना। चलिए, एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने नई रोशनी योजना के संबंध में जानकारी दी। नई रोशनी योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में पूरे भारत में लगभग 40,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012-13 में की गई थी। इसका लक्ष्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसे केवल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी, ये छात्रों और स्नातकों को इंटर्नशिप प्रदान करने का एक मंच है। ऑप्शन सी, सभी 100 स्मार्ट शहरों ने ट्यूलिप पोर्टल का पंजीकरण करा लिया है। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और नए नए जवाबों और उनकी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।